मैं सबको सलाम देता हूँ और जेम्स को बहुत दिल से शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत मेहनत की है। कैसे मेहनत इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचाती है उसका एक उदाहरण जेम्स है। बहुत पिक्चर में इनके साथ एज अ फाइट मास्टर एज अ फाइट कोऑर्डिनेटर कहते हैं काम किया, लेकिन एज अ डायरेक्टर आर्टिस्ट इनके साथ इस फिल्म रॉकी की स्लेव में काम किया, बहुत आनंद आया। आई विश द एंटायर टीम ऑल द बेस्ट एंड आई विश दिस फिल्म डज वेल। ही बिलीव्स इन क्राइस्ट, ही बिलीव्स इन जीसस एंड मे जीसस ब्लेस हिम। His church going genuinely, a very hard working man, believes in God and God is going to bless him and his family and the entire unit. Thank you very much. Thank you. Chalti rahe zindagi. Chalti rahe zindagi. Picture ka naam hai Chalti rahe zindagi. Aur they shot the film in UK and I wish both the teams all the best. चलती रहे जिंदगी एंड रॉकी इसलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। मे गॉड ब्लेस माय सन, मे गॉड ब्लेस जेम्स एंड द यूनिट एंड रॉकी इसलिए। शुभ जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रॉकी के बारे में ये है कि अच्छा रॉकी के बारे में ये है कि एक लड़का है उसको पालती है, उसको एक जॉन करके करेक्टर है जॉन, वो उसको इंसान बनाता है। और इसमें जो दिलीप ताहिर है जेजे का करेक्टर है वो उसको उसकी माँ से जब छोटा रहता है वो तो उसकी उसका डैडी गुजर जाता है, बच्चे का 5 साल का बच्चा उसका डैडी गुजर जाता है तो उसकी माँ उसको छोटा है माँ उसको पालती है तो है, उसका हस्बैंड तो रहता नहीं है। फिर उसमें क्या होता है कि दिलीप ताहिल का जो जेजे है वो प्रॉपर्टी का डीलिंग करता है, हफ्ता वसूली करता है, उसके माँ पे नज़र चले जाता है, उसको स्कूल जाती है तो देख लेता है, वो स्कूल जाती है तो देख लेता है। तो फिर दिलीप ताहिल है जेजे वो पता लगाता है उसके बारे में कि कौन है तो उसको मालूम पड़ जाता है। तो एक तो उसको लेडीज़ को चाहिए कि सहारा, तो कोई सहारा मिलेगा, लेकिन उसको दिलीप ताहिल उसके शरीर पे वॉच रखता है और उसको यूज करता है और प्रॉपर्टी उसके पैसे पे। एक दिन उसको बोलता है कि आप बैंक में आ जाओ वहाँ पे मिलते हैं। ये समझ जाती है धीरे धीरे कि ये मेरे शरीर से प्यार करता है, इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है, इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है, शरीर से मेरे पैसे से प्यार करता है ये। वो तो सोचती थी कि तो नहीं आती है बैंक में, तो दिलीप ताहिल उसके घर पर पहुँच जाता है, बोले तुम आई नहीं, तो वो बोलती है कि मुझे मालूम पड़ चुका है कि तुम मेरे से शरीर से और मेरे प्रॉपर्टी से प्यार करते हो तुम। मैं तो सोची थी कि मेरा जो बच्चा है 5 साल का उसको सहारा मिलेगा, उसको सहारा मिलेगा और मेरा भी जीवन सही हो जाएगा और बच्चे को भी एक पिता जैसे प्यार मिलेगा, लेकिन तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो, तुम प्रॉपर्टी तुमको चाहिए। तो दिलीप ताहिल भी समझ जाता है कि इसको मालूम पड़ चुका है, वो नहीं लिखती है तो उसको मार देता है। तो बच्चे उसको 5 साल का बच्चा रहता है, वो देखता है उसको, वो देखता है, उसके बाद उसकी माँ को मार देता है, वो ऊपर से जम एक साइड में एक महले से जम करके नीचे आता है वो बच्चा और फाइट करता है वो दिलीप ताहिल के बॉडीगार्ड से। तो दिलीप ताहिल जब उसका बॉडीगार्ड गन निकालता है उसको मारने के लिए, दिलीप ताहिल बोलता है मत मारो, ये बच्चे में बहुत दम है, उसको उठा के ले जाता है, उसको उठा के ले जाता है, उसको उसको बाहर का कुछ मालूम नहीं है, उसको पालता है वो। और रॉकी द स्लेव का मुद्दा बताइए, वो बड़ा होकर क्या करता है? वो बड़ा होकर उसको एक गाने का एक थीम है उसमें उसको मालूम पड़ जाता है, उसको जॉन है, जॉन उसको पालता है, एक हादसे में मिल जाता है जॉन को, जॉन जो सुदेश बेरी है, हादसे में मिल जाता है उसको, तो सुदेश बेरी उसको पालता है। तो उसको तो मालूम नहीं है कि मेरा माँ कौन है, बाप कौन है, दुनिया में क्या होता है, कुछ मालूम नहीं है उसको। तो जॉन को जब मिलता है सुदेश बेरी को तो पालता है उसको। और पिक्चर में सुदेश बेरी और उसकी माँ का क्या कनेक्शन है वो जब आप पिक्चर देखेंगे मूवी तो वहाँ पूरा खुलासा होता है,
अभी मैं पिक्चर का ज्यादा खोलना नहीं चाहता हूँ। एज अ म्यूजिक लेवल बहुत बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं, अलका याग्निक जी हैं, ममता शर्मा, रितु पाठक एंड आजीवन जी, आइए देखिए अनूप जी भी आ गए हैं। अनूप, अलका याग्निक जी, ममता शर्मा, रितु पाठक और यस यस, आज एज अ म्यूजिक लेबल बहुत खुशी है कि लेजेंड्स लाइक अलका याग्निक जी इज पार्ट ऑफ दिस म्यूजिकल ड्रामा, रितु पाठक आइटम सॉन्ग है, तो ममता शर्मा से ज़्यादा अच्छा कौन गा सकेगा, तो बहुत खुशी है। आजीवन है, ही इज़ हियर विथ अस। अलका याग्निक जी ने भी मैसेज भेजा है, शी इज़ नॉट वेल, इवन ममता इज़ इन कलकत्ता, बट वी आर वेरी हैप्पी दैट ऑल हैव एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट एंड एज अ म्यूजिक लेबल वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स अ रोलर कोस्टर फिल्म, लॉट ऑफ एक्शंस एंड इट्स अ फर्स्ट टाइम इट्स अ म्यूजिकल ड्रामा, सो वेरी हैप्पी कि इसमें चार पांच गाने बहुत अच्छे हैं और बहुत सुंदर उसकी मेलोडी है, वेरी हमेबल एंड ईजिली एनी वन कैन रिलेट टू इट, सो आई एम श्योर इट विल एनथ्रॉल ऑल एज ग्रुप एंड आप सब लोग उसको देखिए और शेयर कीजिए। रेड रिबन के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, जब से ये कंपनी बनी है तब से मैं इनके साथ हूँ, और जब ये कंपनी नहीं थी तो मैं ललित के साथ था, तो हमारा पुराना म्यूजिकल ब्यूटीफुल रिश्ता है जो चलता ही जा रहा है, हम लोग काम साथ में करते हैं, बहुत लुत्फ उठाते हैं, और ये नई चीज़ जो आज लॉन्च हुई बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी है ये क्रिएटिविटी कभी रुकने वाली तो है नहीं, आप समय समय पर नई नई चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, उसके बारे में जानेंगे, और लालिति की तरफ से हमेशा पहल होती है कुछ ना कुछ नया करने की। हम लोगों ने कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स की थी जो बिल्कुल नए किस्म की थी, उसमें भजन भी किए, गज़लें भी की, और एक तो कमाल का एल्बम बनाया, वो सिर्फ मेरे चुटकुलों का बनाया है, मेरे जोक्स का एल्बम बनाया कि उसमें सिर्फ जोक्स हैं, तबला बज रहा है पीछे थोड़ा थोड़ा और मैं उसमें जोक्स बोल रहा हूँ, तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि ये मुझे उसकी रॉयल्टी भेजा करती है, इसका मतलब बिक रहा होगा तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है इस प्रोजेक्ट के साथ, जो जो लोग जुड़े हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। इट्स एन अमेजिंग ऑडियो विजुअल, यू नो, विजुअल भी इतना अच्छा है और ऑडियो भी इतना अच्छा है, तो ही इट्स जेलिंग सो वेल एंड इट्स सो आई प्लीजिंग एंड द गॉर्जियस लेस्ली त्रिपाठी, यू नो, एंड नुपशाक जी, एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू नो आप लोग सब इधर हैं एंड मेकिंग द विजुअल एंड ऑडियो you know a great fest, and I'm so happy that Anoop Jalota ji, my mentor Padma Shri Anoop Jalota ji, is here to launch and give his blessings, and Shyam Singhania ji is also here and Atrish is also here, and I'm very happy that all are here to give their blessings and wishes. So I think you should say something about your experience. Yes. Hi everyone, मैं हूँ लेस्ली त्रिपाठी, आई एम इन द रोल ऑफ रीटा, एंड रीटा इज़ जस्ट अनदर गर्ल जो जिसके बहुत सारे सपने हैं, बट मम्मी पापा के प्रेशर से उसको बहुत सारे सपने त्याग करने पड़ते हैं, एंड देन उसका लाइफ कभी ज़्यादा खुशियों भरा नहीं रहा, एंड शी इज़ इन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आप देखोगे तो जानोगे, बहुत रोना धोना है, एंड जेम्स सर ने बहुत अच्छा एक्शन सीक्वेंसेस दिए हैं फिल्म में, तो आई वाज लाइक एंजॉयिंग वाचिंग द फिल्म व्हाइल एक्टिंग, एंड मेरे साथ कोस्टार्स रहे हैं, दे आर सुपर्ब, आई एम सो हैप्पी कि मैं मुझे मौका मिला सबके साथ काम करने का। गाने बहुत अच्छे हैं, आपने देखा जीना यहाँ ये गाना फिल्माया गया है, और लाइक संग बाय अलका याग्निक जी,
इट्स ब्यूटिफुल एंड इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जेम्स सर के जो कैरेक्टर्स होते हैं लीडिंग हीरोइंस का बहुत प्यारा कैरेक्टर्स रहते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग दे आर बोल्ड एंड उनके डायलॉग बहुत अच्छे होते हैं तो आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क इन द फिल्म ऑफ जेम्स जॉन सर एज दिस एक्ट्रेस इन द फिल्म थैंक यू जी मैं ज़रूर बताऊंगा मैं बड़ा खुश हूं बहुत आई एम वेरी वेरी हैप्पी सबसे पहले तो अनूप जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि मैं अनूप जी जब का एक भजन था ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो मैं इतना अच्छा लगता था और मैं सोचता कि यार इंसान से कम मिलूंगा लेकिन कमाल क्या हो गया इनसे एज एन एक्टर मेरी मुलाकात हुई सत्य साई बाबा सर आप एक्टिंग कर रहे मुझे बहुत अच्छा मैं तो आपका फैन हूँ एज सिंगर तो फिर अनूप जी के साथ मैंने एक दो फिल्में की एक फिल्म और फिर की तो आई एम वेरी हैप्पी है ही इज़ हियर और दूसरी बात तो मैं जेम्स बारला जी को मैं बहुत बहुत मुबारक दूंगा और मैंने कहा कि मैं खुश क्यों खुश इसलिए हूँ कि ये फिल्म रिलीज़ हो रही है यार आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इतनी सारी फिल्में बनती हैं रिलीज़ नहीं हो पाती हैं थिएटर तक जा नहीं पाती हैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ एक फिल्म को रिलीज़ करना एक बहुत बड़ी बात है आप फिल्म बना तो लेते हैं लेकिन फिल्म को थिएटर तक लाना बहुत 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 मुश्किल होता है तो जेम्स आपको सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा कि भैया और ये दुआ करूंगा और ख़ास करके मीडिया के दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जितना ज़्यादा क्योंकि एक आप एक ऐसा माध्यम है मीडिया ऐसा माध्यम है जो कि लोगों तक इस फिल्म को पहुंचाता कोई भी चीज़ हो कोई भी क्रिएटिव चीज़ हो उसे मीडिया तक पहुंचाता है तो आप प्लीज़ इस फिल्म को जितनी मेहनत से आज काफ़ी पहले मुझे जब जेम्स साहब का फ़ोन आया तो मैं थोड़ी देर के लिए मैंने कहा जेम्स साहब क्या कौन सी फिल्म थी मेरा रोल क्या था मैं खुद भूल गया था इन्होंने बताया आपने केपी शर्मा का रोल किया था एज़ वसूली भाई हाँ मैंने कहा हाँ यस ये याद आया तो थोड़ा सा काफ़ी टाइम हो गया लेकिन मुझे खुशी है कि फिल्म रिलीज़ हो रही है तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म लेजली ने बहुत अच्छा काम किया मेरे दोस्त इसमें सुदेश बैरी हैं घनश्याम हमारे दोस्त एक्टर उन्होंने भी एक अच्छा किरदार किया है इसमें तो बस मेरी दुआ है मेरी प्रार्थना है कि लोग इसे देखें पसंद करें और फिल्म अच्छी चले तो सफल हो उसकी कामना जेम्स साहब की ऑल द बेस्ट थैंक यू मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे पत्रकार भाइयों से धन्यवाद करता हूँ जीसस मदर मेरी माँ को जो आज ही मौका दिए पिक्चर रिलीज होने जा रही है जीसस मदर मेरी माँ को दिल से धन्यवाद करते हैं उन्होंने साथ दिया एक्शन भी सब रियल एक्शन है कोई VFX नहीं है गाड़ी अगर उड़ रही है तो स्टंटमैन बैठ के गाड़ी उड़ा रहा है मोटरसाइकिल की जो ब्लास्ट हो रही है तो फाइटर उड़ रही है मेरे को मंजर याद आ रहा है मेरे को अंदर से एकदम मतलब फाइटर लोग संभालते मरते बचे हैं और सब रियल एक्शन है ब्लास्टिंग के साथ ब्लास्ट के साथ फाइटर उड़ना रियल एक्शन है और रिलीज हो रही है जीसस मदर मेरी माँ को धन्यवाद करते हैं मेरी वाइफ शोभा बादला प्रोड्यूसर उन्होंने बहुत मेहनत किया है उन्होंने इतना मेहनत की है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ बच्चों को भी संभालना प्रोडक्शन हाउस को भी संभालना बहुत तकलीफ से और बहुत दर्द से पिक्चर बनी है मैं शोभा बादला को धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने पिक्चर बना के रिलीज करने जा रही है मैंने तो चलो टेक्नीशियन आदमी सेट पर काम किया लेकिन शोभा बादला बहुत मेहनत की है वो आई एम श्योर एक छोटा गाना भी बनाओ तो उसमें कितनी मेहनत होती है फ्रॉम लिरिक राइटर टू सिंगर टू म्यूजिक कंपोजर अरेंजर लाइव म्यूजिक देन मिक्सिंग मास्टरिंग एक गाना बनाओ उसमें कितने लोग और कितनी मेहनत होती है यू हैव पुट अमेजिंग फिल्म टुगेदर विद सो मेनी लेजेंडरी आर्टिस्ट एंड नो लेजेंडरी सिंगर्स एंड आई एम सो हैप्पी दैट जेम्स बाला जी excellent work and मुझे लगता है इतने सालों से वो इस इंडस्ट्री में है एंड ये उनका बेस्ट यू नो एज अ डायरेक्टर वर्क है एंड शोभा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अमेजिंग एफर्ट एंड आई एम श्योर ये सब लोग आपका ये एफर्ट बहुत दूर तक पहुँचाएंगे राइट पहुँचाएंगे ना yes, yes, yes. आदरणीय अनूप जी और हमारे सीनियर बड़े भाई मुश्ताक जी और सभी टीम ये मूवी में जितनी मेहनत मैंने देखी है पूरी मूवी के दौरान हमारे प्रोड्यूसर
भाभी जी, शोभा बाला जी, डायरेक्टर जेम्स जी, और जिस तरह मुंबई में लगातार बारिश बरस रही है उसी तरह इसमें थिएटर में पब्लिक बरस जाए तो मजा आ जाए। और मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ, ऐसी दुआ देता हूँ। और मैंने इसमें एक रोल किया है मुंबई का भाई उस्मान भाई, और जेम्स सर ने कराया है, और बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को, पूरी मीडिया को, और सबका धन्यवाद। हेलो, मैं मास्टर जी को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत पिक्चर चले और इनकी मनोकामना पूरी, भगवान की मनोकामना पूरी करें। और मैं छोटा सा रोल है, मैंने इसमें फाइट भी है, मुश्ताक खांजे के साथ रोल भी है जी। और अनुज ओटा जी को प्रणाम करता हूँ, और भगवान करे तो पूरी पिक्चर पूरे हिंदुस्तान में चले, भगवान को यही मेरी दुआ है। आपसे तो दो शब्द सुनेंगे, दो एक गाने का भी सुनेंगे। आप कुछ तो कह रही हैं। हाँ, yes. Actually, see, I sang this song long ago, but I still remember a few things, you know. Absolutely. And I have arrived from US just today morning. Oh, wow. So, before I sing, I want to offer my respect to dear Anup Jalota ji. While growing up, we have all listened to him, you know. I'm also an engineer, by the way, so it's like dual profession that I carry on with. So whatever, jis makam par main pahunch gaya hu, wo apne aap mein main samajhta hu ki ye bhagwan ki kripa ke bina ye aadmi nahi kar sakta hai. So first of all, I want to thank you James, John, Barla ji to give me such huge chance and stick on with me. Although he had feedback from late Adesh Srivastava ji. I want to thank you. I'm remembering him. He launched my first album, and you know, a lot of credit is due to him that I'm sitting here. So, main koshish karta hu. Wo zeherila khanjar, wo aisa manzar, toofan hai jiske seene ke andar chalta sharara. वो है अंगारा, जब वो चले तो उठता पवंडर, जरा संभल जा, बच के निकल जा, रखनी चाल जो बाकी राखी, राखी राखी राखी। Something like that, I don't remember the other one. Anyway, thank you very much, you know. And best of luck, by the way, to all of us, you know. I have a sneaky feeling that this movie, the kind of obstacles it has come through, is not going to go west. It doesn't happen just like that. It is meant for big things one way or another. So, you know, again, congratulations everybody, especially Jim, John, Balaji. Thank you very much, guys. दो शब्द कहने से अच्छा है कि मैं आपको एक गाना सुना दूं। बार क्या बात है। अब मुझे इस गाने का जिक्र क्या ना वही सुना दे। ऐसी लागी लगन, क्या बात है, मीरा हो गई मदन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुल गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। क्या बात है, क्या बात है। एक्शन सीन के बारे में ये है कि सारा एक्शन डिजाइन किया मैंने, और फिर फाइटर लोगों को रेडी किया जो उस एक्शन को कर सकते हैं, वो लोग उन लोगों को बुलाया, फिर एक्शन किया। हम लोग गोरेगांव इसमें पारसी कॉलोनी में एक्शन कर रहे थे, बिल्डिंग पर बीच में वहाँ गाड़ी उड़ाना है, बहुत दिक्कत हो रहा था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हम लोग ने छः गाड़ी उड़ाया, छः मोटरसाइकिल उड़ाया, बुलेट पे शूटिंग कर रहे थे,
रनिंग गाड़ी कैदन करना था, गाड़ी उड़ाना था, जिसमें आर्टिस्ट वगैरह सब बैठे हुए हैं, वहाँ पे फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन सब रियल एक्शन है। और मैं सारे फाइटर लोग को धन्यवाद करता हूँ, जो स्टंट मैन लोग ने काम किए उन सबको धन्यवाद करता हूँ, और सौ वाले को धन्यवाद करता हूँ, अनुप जी आए अनुप जी को धन्यवाद करता हूँ, मुश्ताक भाई को धन्यवाद करता हूँ, बहुत हेल्प किए मुझे। मुश्ताक भाई ने बोले पिक्चर, मैंने बोला मुश्ताक भाई को भी करना है पिक्चर, बोले ठीक है, कुछ पेमेंट की बात नहीं की, कुछ भी नहीं, आगे बहुत हेल्प किए। मुश्ताक भाई को दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत संभाले मुझे, मुझे मेरी वाइफ को बहुत संभाले भाई करो। अभी घनश्याम जी हैं, उन्होंने भी बहुत संभाला है, रजनी त्रिपाठी ने बहुत कोऑपरेट की, सारे एक्टर को मैं धन्यवाद करता हूँ। शक्ति जी हीरो पिक्चर से हमारी पहचान थी, शक्ति जी से, शक्ति जी ने वो हीरो के टाइम में मेरी बात हुई थी उनसे, तो पहचान थी वहाँ से, फिर मेरी उसे पिक्चर शुरू किया तो बात हुई, और मैं बोला ऐसे से रॉकी पिक्चर शुरू कर रहा हूँ, आप पहले रॉकी में भी थे, मैं चाहता हूँ इसमें भी आप काम कीजिए। उन्होंने भी कुछ पेमेंट वेमेंट का पूछा नहीं, दो लाइन से मुझसे पूछा क्या है, बोला मैं करता हूँ। तो शक्ति जी ने, बहुत मेरे बड़े भाई भी हैं वो, बहुत हेल्प किया शक्ति जी ने भी, बहुत कोऑपरेट किया। दिलीप ताई का भी, सारे एक्टर का भी कोई पेमेंट के लिए नहीं पूछे, कुछ नहीं, टाइम पे आए अपना काम करके गए, सारे एक्टर को धन्यवाद करता हूँ मैं। और आप लोग सब आए, मीडिया भाई लोग, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को, आप लोग आए, टाइम दिए, सारा कुछ सुने। बस आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है कि इस पिक्चर को आप लोग अच्छे से प्रमोट किया, हमने बहुत मेहनत की इस पिक्चर में, और पब्लिक से भी मैं बोलना चाहता हूँ, जनता से भी, बहुत मेहनत करके बनाया है पिक्चर को, आप लोग देखिए, प्यार दीजिए पिक्चर को, पिक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और सारा कुछ आप लोग देखिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को, बहुत दिल से बनाया है पिक्चर को। आप सबको धन्यवाद करता हूँ, और सारे जो देखने जा रहे हैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। Thank you.